हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से, और ये मेरा पजल सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज मैं फिर से आपको एक पजल दूंगा और उस पजल को सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम होगा। अगर आप 30 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या है, और किसी कारण से आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो फिर मैं उसे सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि क्या आंसर होगा, और साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट पजल जो है वो आपके स्क्रीन पे है। यहां पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। इस पजल को सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। अगर आप 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर आप जरूर लिखें। तो चलिए अब आपका समय स्टार्ट होता है। दोस्तों, अगर आंसर निकल चुका है तो कमेंट करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय समाप्त होता है। आई होप कि आपने इस पजल को सॉल्व कर लिया होगा और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दिया होगा। अगर किसी कारणवश कुछ लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाए तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके जगह आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्रैक करते हैं कि 123 का 8 कैसे आया, 567 का 48 कैसे आया, और 890 का 89 कैसे आया। ठीक है, तो अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है। पहला डिजिट प्लस दूसरे डिजिट का स्क्वायर प्लस तीसरा डिजिट का सम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 + 4 = 8। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 + 4 = 5 और 5 + 3 = 8। उसी तरह यहां पर 567 है तो 5 + 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7। तो यहां पर क्या हो गया कि 5 + 36 = 41, 41 + 7 = 48। उसी तरह यहां पर 890 है तो ये तो बहुत आसान है, 9 का स्क्वायर 9 × 9 = 81, 81 + 8 = 89। उसी तरह यहां पर क्या होगा 3, 4, 5 में 3 + 4, 4 = 16 और +5। तो यहां पर क्या हो गया 16 × 3 = 19, 19 + 5 = 24। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा वो होगा 24। तो दोस्तों, आई होप कि ये जो पजल वाला वीडियो है इसको आप इंजॉय कर रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।